हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो। सो गाइस, आज की वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो बीएससी डी के स्टूडेंट हैं और स्पेशली वो बच्चे जिनके पास में प्रैक्टिकल के कोर्सेज हैं। अगर आपके पास में लैब कोर्स है तो इस वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देखें, बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं आपके प्रैक्टिकल के संदर्भ में। जी हाँ गाइस, आपका सेशन कोई सा भी है, जुलाई 2019 है, जनवरी 2020 है, जुलाई 2020 है या फिर जनवरी 2021 है, आप सभी का इनमें कोई सा भी सेशन है या फिर आगे आने वाला कोई सेशन है, इस वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देखें, बिकॉज आज हम प्रैक्टिकल को लेकर सारे ही पॉइंट आपके क्लियर आउट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना तो बनता है। इस वीडियो को सभी के साथ में, जितने भी इग्नू के बीएससी डी के स्टूडेंट हैं उनके साथ में जरूर शेयर कर दें, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आइए बात करते हैं कि करके आपके प्रैक्टिकल्स को लेकर। देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनके माइंड में ये कन्फ्यूज़न होगी कि प्रैक्टिकल्स कब होंगे। ठीक है, एक पहला नंबर कि शेड्यूल कब आएगा, क्या शेड्यूल रहने वाला है, कब प्रैक्टिकल होंगे, क्या जून 2021 के एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिकल यानी कि मई में या फिर अप्रैल में कंडक्ट किए जाएंगे या फिर जून में कंडक्ट किए जाएंगे, कब होंगे, इसको लेकर बात करेंगे। साथ ही आप सभी के माइंड में एक कन्फ्यूज़न ये भी होगी, क्या प्रैक्टिकल का असाइनमेंट बनाना है, क्या प्रैक्टिकल फाइल तैयार करनी है, प्रैक्टिकल के कोर्स की तैयारी हमें करनी है या नहीं, एग्ज़ाम कैसे होगा, कब होगा, कितने मार्क्स का होगा, रिजल्ट कब आएगा, इन सब पर मैं बात करूंगा प्रैक्टिकल्स को लेकर। और हाँ, साथ ही हम बात करेंगे प्रैक्टिकल्स कहाँ होते हैं और कैसे कंडक्ट होते हैं। तो आइए बात करते हैं एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट। सो नाउ फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जामिनेशन शेड्यूल। आप सभी को पता है अभी इग्नू ने मार्च के समथिंग यानी कि 18 मार्च को एक नोटिस जारी किया, जिसमें शेड्यूल था बेसिकली प्रैक्टिकल्स के रिगार्डिंग, वो बीएससी का था जो कि 2019 से पहले का सेशन था, यानी कि बीएससी जी के स्टूडेंट का नहीं था। तो वहाँ पर फाइनल ईयर के प्रैक्टिकल्स कंडक्ट किए गए जो बीएससी के स्टूडेंट हैं 2018 सेशन के, उनके बीएससी के प्रैक्टिकल कंडक्ट किए गए। तो वहाँ पर विशेष बात ये थी कि उनके प्रैक्टिकल्स इस बेसिस पे कंडक्ट किए गए, उनके प्रैक्टिकल्स एमसीक्यू पैटर्न पे हुए। आप सभी ने नहीं देखा तो वो शेड्यूल वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही आप लोग चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। आइए बात करते हैं आप सभी के प्रैक्टिकल्स को लेकर। देखिए, यहाँ पर एक ऑफिशियल नहीं, एक अनऑफिशियल बात निकल के आई, जो कि RC1 की ओर से, जो अरविंदो कॉलेज है वहाँ से एक निकल के आया कि एक सुनने में आया, जो अपडेट वहाँ से मिली कि आपके जो प्रैक्टिकल हैं वो अपडेट होते ही, जैसे कि अगर बात करें जुलाई में होने की संभावनाएं हैं, बिकॉज वहाँ पर जो रेगुलर कॉलेजेस हैं उनको क्लोज होते हैं, उनके वीकेंड होते हैं, जिस कारण से आपके प्रैक्टिकल्स वहाँ पे होने की संभावना है। बट मैं यहाँ पे क्लियर कट बता दूँ आप सभी के, जून से पहले कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होने वाले बीएससी जी के जितने भी स्टूडेंट हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अभी स्टडी सेंटर क्लोज हैं और आप सभी के जो प्रैक्टिकल होते हैं वो स्टडी सेंटर पर होते हैं, 7 डेज के अंतराल में होते हैं। तो यहाँ पे दो पॉइंट क्लियर हो गए कि आपके प्रैक्टिकल्स कहाँ होते हैं, आरसी पर नहीं होते, और ऐसा नहीं है कि आपका जो स्टडी सेंटर स्पेसिफिक है उसी पर हों, जहाँ पर लैब की फैसिलिटीज़ होती है वहाँ पर कंडक्ट किए जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जिसका स्टडी सेंटर सेम है बट डिफरेंट स्टडी सेंटर भेज दिया जाता है जहाँ पर प्रैक्टिकल्स कंडक्ट किए जाते हैं बच्चे के। तो डिपेंड करता है आपके में लैब की फैसिलिटीज़ है या नहीं, ठीक है, तो ऐसा देखने को मिल जाता है। बट अमूमन वही होगा जो आपकी आरसीज़ का स्टडी सेंटर है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब वहाँ पर प्रैक्टिकल नॉर्मलाइज वे में होते हैं, जिस प्रकार से आप लोगों ने ट्वेल्थ में देख के आए हैं उसी प्रकार से, पर यहाँ पे एक क्लियर कट बात आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। सो गाइस, यहाँ पे देखने को मिलता है ये अनगाइडेड प्रैक्टिकल्स होते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि अनगाइडेड का मतलब क्या है आप सभी के माइंड में आ रहा होगा। तो अनगाइडेड का अर्थ है कि आप सभी को बताया नहीं जाएगा, आपको खुद परफॉर्म करने होंगे, खुद से प्रैक्टिस करनी होगी, और फिर बाद में जब आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है प्रैक्टिकल का लास्ट डे पर, यानी कि जो वीक आपको मिलता है उसमें 3 से 4 आपको क्लास मिलती हैं प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। उसके साथ ही आपको फाइल भी प्रिपेयर करनी होती है, ठीक है, और एंड ऑफ द वीक के जो लास्ट डे होता है उस पर आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। एग्जाम कैसा, जिस प्रकार से आप लोगों ने ट्वेल्थ में दिया होगा। अब मैं ट्वेल्थ का इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कई यहाँ पर जितने भी ग्रेजुएशन स्टूडेंट हैं वो सभी ट्वेल्थ में प्रैक्टिकल्स दे के आए हैं जो बीएससी में है, ठीक है, तो उनको अनुभव होगा इस बात का। अब यहाँ पे देखिए, जो प्रैक्टिकल्स आपके कंडक्ट किए जाते हैं सेम पैटर्न वही होता है कि आपसे आपको एग्जामिनेशन शीट दे दी जाएगी, जिसपे आपको प्रैक्टिकल्स पूरे नोट डाउन भी करने होते हैं और 2 परफॉर्म भी करके दिखाने होते हैं, टीचर्स को रीडिंग निकाल के दिखानी होती है, और साथ ही आपका वाइवा कंडक्ट किया जाता है, और कई बार नहीं भी होता है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप मान के चलिए आपका वाइवा कंडक्ट किया जाएगा। बेसिक सवाल होते हैं आपके प्रैक्टिकल संदर्भ में भी होते हैं,
और सिंपल से सवाल होते हैं जो आप इजीली जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे तो आप आंसर दे पाओगे, इतने डिफ़िकल्ट नहीं पूछे जाते। ओके, तो ये तो रही प्रैक्टिकल्स कैसे होते हैं और कब होंगे ये इस पर बात, और साथ ही हमने बात कर ली प्रैक्टिकल्स कहाँ पर परफॉर्म होंगे, ठीक है। साथ ही हमने बात कर ली फाइल के बारे में। एक और यहाँ पे बात क्लियर कर दूँ फाइल के संदर्भ में, जो प्रैक्टिकल फाइल है आपकी वो अभी आपको प्रिपेयर नहीं करनी। बहुत सारे ग्रुप्स में, बहुत सारे बच्चों के पास में ये इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि आप सभी को प्रैक्टिकल्स फाइल बनानी है, तो गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सभी को अभी कोई भी प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनानी, आप सभी को सिर्फ इग्नू के असाइनमेंट बनाने हैं, और वो असाइनमेंट बनाने हैं जो आपके थ्योरी के हैं। यहाँ पर क्लियर कर दूँ, आपको प्रैक्टिकल्स के लिए कोई भी असाइनमेंट नहीं बनाने होते बीएससी जी के जितने भी स्टूडेंट हैं, और साथ ही आपको प्रैक्टिकल के लिए कोई भी एग्जामिनेशन फॉर्म भी नहीं भरना होता है। आप सभी के ओनली थ्योरी के एग्जाम्स कंडक्ट ही होते हैं, प्रैक्टिकल का अलग से है। आप सिर्फ जो रजिस्टर वगैरह होते हैं उसमें जाके एंट्री करते हैं, वो डिपेंड करता है आपके स्टडीज़ ने, स्टडी सेंटर ने किस प्रकार की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है उसके अकॉर्डिंग। आप सभी को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बहुत कम ही देखने को मिलता है, अभी आपका कोई भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं है प्रैक्टिकल्स के रिगार्डिंग। सो गाइज यहाँ पे आप लोग एक बात चेंज कर याद रखें, आपको असाइनमेंट ऑनली थ्योरी के बनाने हैं, थ्योरी कोर्सेज के, प्रैक्टिकल और लैब कोर्सेज के आपको असाइनमेंट नहीं बनाने, ना ही एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है प्रैक्टिकल्स और आपके लैब कोर्सेज का। आपको ओनली थ्योरी के कोर्सेज का ही एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना होता है और उन्हीं का एग्ज़ाम देना होता है। सो यहाँ पे आई होप कि आप सभी को प्रैक्टिकल संदर्भ में सारे ही पॉइंट क्लियर आउट हो गए होंगे। इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर कर दें, कोई भी क्वायरी है आप लोग मुझे इंस्टा पे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं, ताकि आप सभी की जितनी भी क्वायरीज हैं उनके आंसर आपको मिल जाए, और साथ ही आप लोग लाइव सेशन में जुड़ के अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। आप लोग हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आप सभी के सारे ही पॉइंट प्रैक्टिकल संदर्भ में क्लियर आउट हो गए होंगे। पसंद आई है वीडियो और आप सभी के सारे पॉइंट क्लियर आउट हो गए, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।